यहाँ पे दो चीजें वाकई में बड़ी आपत्तिजनक हैं। स्पेशली अगर नीतीश कुमार जी को देखा जाए तो उनको बहुत मैच्योर, बहुत परिपक्व और संवेदनशील नेता माना जाता है, चाहे मीडिया हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको बहुत मैच्योर और परिपक्व नेता माना जाता है और उम्र के इस पड़ाव पर है भी, और उनका क्लेम भी एक बार जो है प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में हुआ। मानवीय संवेदनाएं क्या नेता हो जाने के कारण, नेतागिरी में सफल हो जाने के कारण, क्या यह कोई कसौटी है कि आपको मानवीय संवेदनाएं मार देना पड़ेगा अपने अंदर से, कि किस मौके पे किस तरह की बात बोलनी चाहिए, क्या आप वो चीजें भूल जाते हैं? जी आपत्ति यहां पर यह है कि इस शोक की घड़ी में जो कर्म हुआ, जो कर्मकांड हुआ, जो सारी चीजें हुई वो तो हो गया, लेकिन जहां इतने परिवार के लोग बिलख रहे हैं, पीड़ित हैं, और आपके चेहरे पे एक तिनके रत्ती भर की भी पीड़ा नहीं है। ठीक है, जांच होगा, आगे से ये ऐसे नहीं होगा, हम प्रशासन को चुस्त करेंगे, वो बातें कुछ और है। ऐसे मौके पे तो यही ठीक बोलना चाहिए कि पहले गहरी संवेदना व्यक्त करें जनता के साथ, उसके बाद उस पर कार्रवाई करें। ऐसे बोल के निकल गए, और विपक्ष, मैं उनके सहयोगी की मैं बात कर रहा हूं, वो लिस्ट गिना रहे हैं, आपने ठीक अपने प्रोग्राम जी में दिखाया। तो ठीक ये कैंप्रिजन करने जी से भाई कोई एक आदमी भी अकाल मौत क्यों मरे अपने देश ठीक में, ठीक किसी है भी मिश्रा कारण जी से? जी ठीक है क्या एके मिश्रा जी, बात अमिताभ गजब जी बात देखिए है। ऐसी नहीं है कि सबको बिहार जो में मैं है फिर भी वो हंगामा देख रहा हूं, सरकारी कागज में शराबबंदी है, फिर भी मैं बिहार में रोज बवाल देख रहा हूं मिश्रा जी। देखिए अमिताभ जी, अगर ये घटना बड़ी दुर्घटना तो विचित्र। कहीं भी कोई अकस्मात किसी को जान मार दे कि चल रहा है अकस्मात गोली मार दे, तो ठीक लाइन ऑर्डर ठीक करने के लिए काम है सरकार के, उस अपराधी को गिरफ्तार करना, स्पीडी ट्रायल कराना, उसको ठीक सजा देना, ठीक एक बार यह रुको काम संजीव है। बाबू, मैं दाबी आऊंगा आपके पास मिश्रा जी, एक मिश्रा जी शराब के या किसी भी नशे के अपने दुष्परिणाम है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। कोई भी नशा हो या शराब हो, अगर वो समाज से हट जाए, खत्म हो जाए, तो समाज ज्यादा अच्छे तरीके से रहेगा और परफॉर्म करेगा। रही बात कि जो इन्होंने बोली कि भाई ठीक है, ये बात डेफिनेटली होती है। मैं आपको ये भी बोलता हूं कि बहुत शरीफ आदमी, महिलाएं तो छोड़िए, लेकिन जिस गली में, जिस जगह पे ठेका है, उसके अगल बगल, जहां पे ठेका होता है अमिताभ जी, उसके अगल बगल की दुकानों पे मैं छुट्टा लेने के लिए और सामान लेने के लिए नहीं जाता हूँ, क्योंकि एक कहावत है कि ताड़ी के पेड़ के नीचे बैठ के अमृत पियेंगे, शरबत पियेंगे, तब भी आदमी ये सोचेगा कि भाई ये तो ताड़ी ही पी रहा है। एक उदाहरण दूंगा कि चाइना देश पूरा 100 साल तक बर्बाद रहा नशे के कारण, अफीम, वहां अफीम के नशे के कारण था, और सरकार वहां की बहुत स्ट्रिक्ट हो करके समाज को इससे मुक्त कराया। तो आदर्श रूप से, आप आदर्श की जी बातें नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूं आदर्श की बातें, लेकिन समाज और ठीक सरकार दोनों को ठीक मिलके इन चीजों को खत्म करना ठीक चाहिए। है शराब पीना कोई जरूरी नहीं ठीक है, है और उसके ठीक नुकसान है ठीक है ही, मिश्रा जी ठीक है नुकसान मिश्रा जी है। ठीक है आप ठीक 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 एक मिनट रुकना होगा जी देखिए, जिंदगी आपकी है, ये बहस जितना करना हो, और हमारे आपके आज के बहस के 10 साल पहले भी बहस हुई होगी जी। नशेबंदी पे, उड़ता पंजाब, मैं तो पंजाब में रहा भी हूँ, जो सिंपल सिंपल दवाइयां आती हैं, टैबलेट वगैरह, उसका भी नशा होता है। तो सबसे पहले नशा करने वाले को उसके परिवार वालों की जिम्मेदारी होती है। देखिए, आप अपने आप को रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, कैसी जिंदगी चुननी है वो आप चुन लीजिए, बाद में दोष सरकार को दीजिएगा और दरोगा को दी। भाई कोई आपके मुंह में बोतल ठूंस के थोड़ी भर रहा है, बोतल ठूंस के भर रहा है कि भाई पियो, जबरदस्ती आपको कोई नशा करवा रहा है। तो मैं इसीलिए मैंने अपने पहले फेज में बोला था, सरकार और समाज में दोनों की बात करता हूं। आप 100 साल और डिबेट करते रहिए अमिताभ जी, हम जी लोग मिलते रहेंगे, भगवान करे, ऐसे नहीं होगा। मैंने शराब नहीं पी, या आप लोगों में बहुत से लोगों ने शराब नहीं पी होगी आज तक, रोज ठेके के सामने से गुजरते तो है ही ना, तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं? और हम हर चीज सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं, सरकार ने बंद कर दी, जी कौन बोल रहा है कि आपको जबरदस्ती शराब पीजिए या नशा कर दिए? आपको अपने जान की परवाह नहीं है तो दूसरे को क्यों होगी? आप डिमांड करते हो इसलिए चीजें आती हैं। तो ये तो मोरल और कैरेक्टर बिल्डिंग का है, जी परिवार वाले रोकते नहीं जी है, बाप अगर पी रहा है तो बेटे को कैसे रोकेंगे? जी तो जो पारिवारिक शुचिता की बात होती है वो कर लिया जाए, वो रुक जाएगा, बाकी फिर लोग सड़कों पे बेचे, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। जी